नमस्ते, आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते, सभी का बंदर स्वागत। अशोक जी, हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाते हैं, हमें पूछना चाहेंगे कि इसकी महत्ता क्या है? कोई भी दिवस मनाया जाता है तो वह समाज की उपयोगिता के लिए, समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी उपयोगिता के लिए, उनका सदुपयोग करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस मनाया जाता है उसके पीछे भी मकसद यही है। अपने भारत में चाहे रामायण काल रहा हो, चाहे वो महाभारत काल रहा हो, जो शिक्षा की पद्धति रही है वह साइन लैंग्वेज के साथ साथ जितनी भी विधियां रही हैं सब में गुरुजन शिक्षा देते थे, अपने शिष्यों को पारंगत करते थे। समावेशी भारत था उस समय। आज की शिक्षा नीति के अनुसार ये साइन लैंग्वेज किस तरह मायने रखती है? तो गहराई से अध्ययन करें तो आज की जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसमें जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि विशेष स्कूल होने चाहिए, विशेष शिक्षक होने चाहिए। तो होता क्या है कि जो बच्चा विशेष स्कूल में पढ़ रहा है, साइन लैंग्वेज को सिखाई गई, जब वह उस विद्यालय से बाहर निकलता है तो मात्र अपने दोस्तों के बीच में या जो उसके नियर रिलेटिव हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो उसकी भाषा को, संकेत को समझते हैं, सिर्फ वही उसको समझ पाते हैं। बाकी यदि वह गांव में जाता है, किसी और के पास जाता है तो वो अपने इशारे से बात कहना भी चाहता है तो वह उसको समझ नहीं पाते हैं। और गांव में तो कई बार उसकी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, या कभी कभी तो पढ़े लिखों के बीच में जब वो अपनी बातें करते हैं तो लगता है कि वह आइसोलेट हो गया है, चूँकि वह व्यक्ति संख्या में कम है और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं संख्या में बहुत अधिक हैं, तो कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तो ऐसे में जब ये शिक्षा ऐसी है कि आइसोलेट करने वाली है, निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन की जरूरत थी। रामचरितमानस में आपको एक बढ़िया प्रसंग आता है, सब लोग मानते हैं कि सूर्पनखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी, राम के कहने पर काटी थी, भगवान राम ने इशारे से बताया था। बिल्कुल। और मैंने अपनी कई वीडियोज में भी इसका उद्धरण भी दिया हुआ है। वो जो बर्वे रामायण का प्रसंग है, वेद नाम गणि अंगुली निखंड प्रकाश, शुभ लखा पठेई तब लक्ष्मण के पास, तो इस ढंग से जब ऊपर किया नीचे किया तो नाक बन गई और चार मतलब कान बन गए। तो ऐसा तो नहीं था कि जब रामायण काल में इस ढंग से शिक्षा दी जाती थी तो कोई दिव्यांग ना रहा हो, कोई मूक बधिर ना रहा हो, रहे होंगे, सबको गुरुजन समान शिक्षा देते थे। चूँकि जो सामान्य है या असामान्य है, अगर सबको एक साथ बिठा के शिक्षा दी जाएगी तभी समावेशी भारत की बात कर सकते हैं, तभी हम समाज को उत्थान का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। आप देखिए, अभी नई शिक्षा नीति आई। हाँ। नई शिक्षा नीति में हालांकि अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनती है पॉलिसी में एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन ही होती है, बाकी तो सारा का सारा गाइडलाइन नियम बाद में बनने होते हैं। उसमें भी इस ढंग से बात आई है, चूंकि डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य को ही इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसीलिए राज्य में भी नई शिक्षा नीति को लेकर बिल्कुल लोगों में जागरूकता है, इस पर काम भी हो रहा है। और जब इसका हम प्राकथन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब वैदिक शिक्षा की बात आती है तो अपने आप में ये समाहित हो जाता है कि यह वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। वैदिक पद्धति में जैसे सबको एक साथ पढ़ाया जाता था वैसे यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, यानी एक कक्षा में अगर दिव्यांगजन है और सामान्य जन भी हैं तो शिक्षा इस प्रकार से दी जाएगी, सामान्य टीचर के द्वारा ही, सामान्य गुरुजन के द्वारा ही, कि वह दृष्टिबाधित भी लाभान्वित हो सके, जो डीफ एंड डंब है बोल भी रहे, बॉडी लैंग्वेज इशारे से पढ़ा भी रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सामान्य वह भी उस इशारे को समझेंगे, और जो वहां बच्चा बैठा हुआ है मूक बधिर वह भी इसको समझेगा, और जब वो बच्चे बाहर निकलेंगे तो आपस वो बच्चा मूक बधिर है वो जब कुछ बोलेगा तो सारे बच्चे उसको समझेंगे, और फिर आपस में इंक्लूसिव सोसाइटी की जो हम बात करते हैं वो अपने आप हो जाएगा। शिक्षा पद्धति यदि हमारी उचित हो तो निश्चित रूप से समावेशी भारत हो सकता है। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी दृष्टि में अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है, अब जमीन पे कितना उतरता है ये भी देखने वाली बात है। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जैसे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्ते।